और अल्प वर्षा के कारण जहां तालाब खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर तालाब का पानी नहरों में तो छूटा जा रहा है, लेकिन पानी सिंचाई के काम नहीं आ रहा। तालाब से छूटा गया पानी फूटी नहरों के कारण नालों में व्यर्थ बह रहा है। हम बात कर रहे हैं राजपुर तहसील के लंबई तालाब की, जहां कम बारिश के कारण तालाब आधा खाली है। वहीं पानी कम होने की वजह से इस बार किसानों को रबी सीजन में गेहूं की फसल पकाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लंबई तालाब के माध्यम से नहरों द्वारा सिंचाई के लिए खेतों तक पानी तो पहुंचाया जा रहा है। हम पानी के लिए आए हुए हैं। पानी की समस्या हमारे पास अभी तक 27 रोज हो गए केनाल चालू करे और अभी तक हमारे पास पानी नहीं पहुँचा है। इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा एग्रीमेंट, तो हमने एग्रीमेंट भी करवा लिया था कब से, और उसके बाद भी अधिकारी से बात करते हैं तो वो सही बात भी करना पसंद करते हैं। और जैसे हम कल मैंने फ़ोन पे बात करी थी डोंगरे जी से, तो उन्होंने यही बताया कि अगर नहीं अगर आ रहा है तो तुम्हारा एग्रीमेंट हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर अधिकारी तो, कोई मिला क्या ऑफिस? अभी तो कोई नहीं मिला, कल भी आया था। आ रहे हो? मैं चार रोज से कंटिन्यू आ रहा है, कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है, और फोन से पूछते हैं तो ये उल्टी सीधी बात बताते हैं। लेकिन नहरों की साफ सफाई व कई जगह नहरें फूटी होने के कारण तालाब का पानी नालों और रास्तों में बहकर बर्बाद हो रहा है, जिससे करीब 5 किलोमीटर आगे तक किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिसको लेकर किसान एक हफ्ते से जल संसाधन विभाग राजपुर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, पर कार्यालय में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहता। जब किसानों ने जल संसाधन विभाग राजपुर के SDOS की डुमरी से बात करना चाही, तो उन्होंने नहरों के चौकीदार से बात करने की सलाह देकर पल्ला झाड़ लिया। किसानों ने बताया कि एक हफ्ते से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, पर अभी तक अधिकारी एक बार भी कुर्सी पर बैठे नहीं दिखे। वहीं संबंधित अधिकारी सारा काम अपने घर बैठ कर रहे हैं। पानी समय ऊपर से जैसे पानी देते आ रहे हैं, सूखे खेत में जैसे पानी ऊपर से हो जाएगा, इनके पास पहुँच जाएगा। किसानों का कहना है कि दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक पानी पहुंचा नहीं है खेतों तक। हाँ, तो ऊपर के खेतों जैसे हो रहे हैं, उसके बाद में नीचे वालों को पहुंच जाएगा। 27 दिन हो गए अभी तक पानी नहीं आया है। तो केनाल भी तो 9 किलोमीटर की लंबी है, पानी तो नीचे मतलब ऊपर वाले खेत का होगा तो ही नीचे दे पाएंगे। इस संबंध अधिकारी आपने बात करी क्या? सबसे बात करी हुई है। क्या बोल रहे हैं भाई? अब समय तो ऐसा है कि मतलब पहले नियमानुसार तेल से, परंतु यहाँ तो दस्तूर बन गया है कि ऊपर से पानी चल रहा है, आज तालाब बना तब से। किसानों का यह भी आरोप आपसे बात हुई, आप बोल रहे हैं कि किसान आए और पानी ले जाए, हमारी जवाबदारी नहीं है। जवाबदारी किसान मौके पर आएगा तो ही पानी मिलेगा, उसके खेत में कोई या अपना अधिकारी या अध्यक्ष या चपरासी थोड़ी खेत में ले जाएगा उसको पानी। ये भी कहा जाएगा आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, आप क्यों आएंगे? तनख्वाह की तो बातें नहीं उठती। किसानों का आरोप है, आप बोल रहे हैं कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। अरे 24 घंटा बैठे हुए मांगेगा ऑफिस में, अध्यक्ष ऑफिस में बैठे हुए रहे, किसान है वही भी किसान कहते, वो एक बार मतलब हफ्ते में गुरुवार मिल सकता है, बीच में जिसकी समस्या वो फोन करके बात करे उसे मिलूंगा। राजपुर से अजय यादव की रिपोर्ट।